तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम थे राजा जसवंत सिंह की छतरी और ये देख सकते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं भाई, पूरी की पूरी ये वही राजस्थानी आर्किटेक्चर पे बनी हुई है। मींस कैसे, मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे होंगे आप, वेलकम बैक अगेन असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक अगेन असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर जहां पर कहें तो हिंदुस्तान का पहला सती जो हुई थी वो यहीं हुई थी। तो ये है, ये देख रहे हैं आप पूरी जगह। तो हम आए हुए हैं आज राजा जसवंत सिंह की छतरी पर। तो इसका भी इतिहास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा महत्व रखता है इसका इतिहास। मैं आपको बताऊँ कि हिंदुस्तान में पहले जो राजा जो हुआ करते थे, उनकी जो पत्नियों हुआ करती थी वो साथ में ही सती हो जाया करती थी। जिस तरह ये है जसवंत सिंह की छतरी, और ये कैसे बनी, क्यों बनी, कब बनी, मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज इसका पूरा इतिहास जानते हैं। और फिलहाल देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, बहुत ही प्यारी बनी हुई है ये भी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम थे राजा जसवंत सिंह की छतरी, और इसका थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। ये है राजा जसवंत सिंह की छतरी। अब राजा जसवंत सिंह कौन थे? राजा जसवंत सिंह जो थे वो थे अमर सिंह राठौर के भाई। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि अमर सिंह राठौर जो थे, वो आपने सुना ही होगा, जोधपुर के राजा गजराज सिंह। तो सबको पता ही है जो जोधपुर के राजा थे, राजा गजराज सिंह, उनके छोटे बेटे थे और उनके दो बेटे थे। तो जोधपुर के जो राजा थे गजराज सिंह, उनके दो बेटे थे, बड़े बेटे थे उनके राजा अमर सिंह राठौर, और छोटे बेटे थे राजा जसवंत सिंह राठौर। उनके दो पुत्र थे, और उनमें से जो बड़े पुत्र थे उनके, वो थे राजा अमर सिंह राठौर जो थे, उनके बड़े पुत्र थे। और किसी कारणवश पुत्र पिता में जब वो बड़े हुए, तो किसी कारणवश मतलब मीन्स लड़ाई वगैरह हो गया, और लड़ाई वगैरह होने के बाद उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और राजा अमर सिंह उस टाइम 17वीं शताब्दी में आगरा आ गए, और आगरा आने के बाद मुग़लों के जो शहंशाह थे उस टाइम में, बादशाह जो हुआ करते थे, वो थे शाहजहाँ के जो दरबारियों में वो ज्वाइन हो गए, भर्ती हो गए, और उनको शाहजहाँ ने एक बहुत ही ज़्यादा अहम पद दिया। और तो जो जैसे कि कहते हैं कि दीवाने खास में एक जगह, महत्वपूर्ण जगह दी उनको, उनको नागौर का राज्यपाल बनाया गया, मंत्री बनाया गया उस टाइम पे। और किसी कारणवश जब वो अमर सिंह राठौर किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे चले गए, और छुट्टी पे जाने के बाद कहा जाता है, हिस्टोरिकल में यही कहा जाता है, जो जिनकी छतरी है अमर सिंह राठौर कुछ दिन की छुट्टी पर चले गए, छुट्टी पर जाने के बाद उन पे किसी तरीके का टैक्स लगा दिया या जुर्माना लगाया गया, और जुर्माना काफ़ी बड़ा था। तो अमर सिंह राठौर इसको देने से थोड़े से गुस्सा हो गए, और वो गुस्सेल किस्म के थे, थोड़े से गुस्सा मतलब हाई रहता था उनका, बताते हैं हिस्टोरिकल में। तो इसी कारणवश उन्होंने उन पे एक तरीके का जुर्माना लगाया शाहजहाँ ने, और उसको वसूलने के लिए उनके ही दरबारी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सलावत खान सादिक, और सलावत खान का मकबरा मैंने जो आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, जो सलावत खान थे वो उस टाइम वजीर थे शाहजहाँ के, और साले भी हुआ करते थे, वो साले थे उनके और वजीर भी थे शाहजहाँ के। सलावत खान को जिम्मेदारी दी कि आप इनसे कर वसूल, जो जुर्माना है वो वसूल करेंगे। जुर्माना वसूल करने के बजाय उनसे थोड़ी सी, सलावत खान ने बताते हैं, सलावत खान जो थे उन्होंने थोड़ी मतभेद हुआ, और थोड़ी उनसे कुछ मतभेद वगैरह हुआ। उसी टाइम कहते ही हैं हिस्ट्री में कि राजा अमर सिंह राठौर ने अपनी कटार से निकाल के उनको वहीं धड़ से अलग कर दिया था सर, और उनकी वहीं हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद शाहजहाँ के दरबारे खास से जो दीवाने खास जो हुआ करता, वहाँ से अपने घोड़े से लेकर के
वो किले की बाउंड्री उन्होंने फलांग कर दी। और कहा यह जाता है कि उस टाइम किले की ऐसा करने के बाद उनका जो घोड़ा था, घोड़े की मृत्यु हो गई और वो भागने में कामयाब रहे, वहाँ से निकलने में कामयाब रहे। और उसके बाद कुछ दिन बाद उनके साले ने, जो अर्जुन सिंह जो उनका साला था, उन्होंने किसी तरीके से बहला पुसला के, क्योंकि शाहजहाँ ने एक इनाम घोषित किया था कि जो भी व्यक्ति अमर सिंह राठौर को मेरे पास लेके आएगा, मैं उसी जगह पे अमर सिंह राठौर को तैनात किया गया था नागौर में, उसी जगह का मैं उसको गवर्नर बना दूंगा। तो लालच में आने के बाद अर्जुन सिंह ने अपने ही जीजा यानी कि अमर सिंह राठौर को, अर्जुन सिंह उनके साले थे, तो उनको भैला पुसला के और झूठे वादे करके और मतलब बहाने से किले में लिया और किले में ला करके उनकी हत्या कर दी गई। अब हत्या करने के बाद बताते ये हैं, हत्या करने के बाद सन उनकी उनकी जो हत्या की गई थी 25 जुलाई 1664 में उनकी मृत्यु कर दी गई थी। तो जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उनके जो मित्र थे, बल्लू चंपत राय और राम सिंह जो थे उनके मित्र थे, उन दोनों ने मिलके एक वो बनाया कि उनके जो उनका जो पार्थिव शरीर है उसको वहाँ से निकालें, और निकालने के बाद जो उनकी पत्नी थी रानी, जो उनको सौंपें। तो सौंपने का मतलब ये था कि उनका अंतिम संस्कार की वजह से उनको चाहिए था। तो उन्होंने वहाँ से उनको बहाने से कि हमें बस सिर्फ देखना है राजा अमर सिंह राठौर को, उनके मित्रों ने कहा, तो शाहजहाँ ने उनको देखने की अनुमति दे दी। उसी वक्त उन्होंने वहीं दरबारियों में हमला किया, हमला करने के बाद उनको वहाँ से लेके फरार हो गए और उनकी जो रानी थी उनकी पत्नी के हवाले कर दिया, उनको अपने दरबारियों में खास जो कहते जो हैं हिस्ट्री में खास एक वो दिया, मतलब खास एक दर्जा दिया। तो दर्जा देने के बाद अब इतना होने के बाद उनकी जो पत्नी ने उनके साथ में यहीं पर सती हो गई थी। तो ये जो जगह थी यहीं पर अमर सिंह राठौर का अंतिम संस्कार किया गया था, और अंतिम संस्कार के बाद उनकी जो पत्नी थी उनकी पत्नी ने भी यहीं पर उनके साथ सती हो गई थी। सती होने के मतलब ये था कि पहले की प्रथा ये हुआ करती थी कि साथ में ही पति के साथ में ही जो पति की जो अंतिम संस्कार जो किया जाता था उसी के साथ जल जाया करती थी पत्नी अभी, तो यहीं पे उनकी पत्नी जो थी वो भी सती हो गई थी। तो ये जो बनी हुई है ये पूरी छतरी, ये उनके भाई, क्योंकि उनको उनके पिता ने राजा अमर सिंह राठौर को उनके पिता ने उनको वसीयत से बिल्कुल बेदखल कर दिया था, और उनके जो छोटे भाई को वहाँ का राजा बनाया जोधपुर का। और जोधपुर का राजा बनाने के बाद, तो मैं आपको बता रहा था जैसे कि जो उनके भाई थे, जो जसवंत सिंह जो थे उनके भाई थे छोटे, और उनकी पत्नी ने, जो राजा अमर सिंह राठौर थी उनकी पत्नी ने यहीं पर सती हो गई थी उनके साथ में ही। तो जब उनके भाई छोटे भाई जो राजा थे जोधपुर के, उनके पिता ने उनको राजा बना दिया था, तो उनके छोटे भाई थे वो जो उनको राजा बनाया था, वो जोधपुर के राजा थे, वो वहाँ से यहाँ आए और उनके नाम पर ये उनके लिए छतरी बनवाई। और बट इसका नाम पड़ गया जसवंत सिंह की छतरी, जबकि जसवंत सिंह की जो ओरिजिनल छतरी है वो जोधपुर में ही है, और यहाँ पर उनकी राजा अमर सिंह राठौर की मृत्यु जो होने के बाद उनको यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था, और उनकी पत्नी ने यहाँ पर सती हुई थी, उनकी जो पत्नी थी वो यहाँ पर सती हुई थी। तो उनकी सकते हैं ये पूरा मैंने आपको दिखाया, और मैं इसको अब पास से दिखाऊंगा। अभी तक मैंने आपको बताई इसकी पूरी हिस्ट्री, अब मैं बताऊंगा इसकी पूरी जो इसकी जो कला है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो देख ही सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ, तो और मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। जैसे कि आज हम आए हुए थे बलकेश्वर में जसवंत सिंह की छतरी पे, और मैं आज उसको ऊपर से दिखाता हूँ और उसकी पूरा जो आर्किटेक्चर है वो पूरा बताता हूँ किस तर्ज पे बनी हुई है। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये एक ये टंकी सी बनी हुई है जिसमें कि मुझे लगता है फुहारा वगैरह हुआ करते होंगे उस टाइम के, फाउंटेन वगैरह तो बनाए गए थे। अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये है इसकी सीढ़ी और ऊपर चलेंगे हम, तो ये देख ही सकते हैं ये बनी हुई है पूरी उनकी छतरी। और ये तो आप लोग देख ही सकते हैं भाई, पूरी की पूरी ये वही राजस्थानी आर्किटेक्चर पे बनी हुई है। मींस कैसे, मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे होंगे आप, ये बनी हुई है घंटी, और ऊपर बने हुए हैं पूरे कलश स्टाइल में बना हुआ है, और घंटियों के साथ साथ इसमें उल्टे फूल बने हुए हैं जो कि कमल के फूल वगैरह बने हुए हैं। और ये जाली देख सकते हैं, वही राजस्थानी आर्किटेक्चर का एक नमूना है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और खम्भे बहुत सारे, इसके में जो खम्भे हैं टोटल मुझे लगता है वही 12 स्तंभों पर बनी हुई है। हाँ ठीक है बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं चार इस साइड हैं, चार उस साइड हैं, 8 और 4 बीच में है, ये 12 स्तंभों पर पूरी टिका हुआ है पूरा। और देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा छतरी बनी हुई है,
बल्केश्वर में आप थोड़ा सा आप इनसाइड में आएंगे तब जाके ये आपको छतरी मिलेगी, जसवंत सिंह की छतरी। आपको एक बात पता और होगी कि किले में आप जाएंगे तो किले का जो मेन एंट्रेंस है, जो रेड फोर्ट आगरा फोर्ट जो बना हुआ है उसका मेन एंट्रेंस जो है, उसका जो पहला गेट है वो भी इन्हीं के नाम पर, राजा जसवंत सिंह के नाम पर ही है, और वो भी शाहजहाँ ने दिया था। शाहजहाँ ने उनको वो उपाधि दी कि उसको वो गेट उनके नाम पर बनाया गया। और ये देख ही सकते हैं, ये भी यही जो पूरा राजस्थानी आर्किटेक्चर पर पूरा बना हुआ है, ये जो आपको देखने को मिल जाएगा पूरा राजस्थानी आर्किटेक्चर पूरा का पूरा, जो खम्भे पूरे पूरे 12 खम्भे पर टिकी हुई है, ये घंटी आपको दिख जाएंगी देखने को। और मैं आपको इसको इनसाइड से दिखाता हूँ थोड़ा सा अंदर से, क्योंकि बंद है, लॉक लगा हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये लॉक लगा हुआ है, बट मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये है राजा जसवंत सिंह की छतरी, और जो उनकी पत्नी थी राजा अमर सिंह राठौर की पत्नी थी, उन वो भी उनके साथ सती हो गई थी। तो सती जो माता जो होती हैं उनके लिए सिंगार वगैरह का सारा सामान देख ही सकते हैं आप, रखा हुआ और थोड़ा बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये उनकी छतरी है, आप देख ही सकते हैं इनसाइड से, और पूरा इस टाइम ये गेट में ताला लगा हुआ है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, ये पूरी राजा जसवंत सिंह की छतरी है, नाम राजा जसवंत सिंह का है, बट बनाई गई थी जो बनाई गई है पूरी छतरी, वो बनाई गई थी राजा अमर सिंह के लिए, और उनकी पत्नी, और वो जब मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार यहीं किया गया था, और उनकी पत्नी भी यहीं सती हो गई थी। और सती का तो महत्वपूर्ण ये है कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में आज से करीबन 400-450 साल पहले करीब सती जो हुए होंगे, तो वो उनकी जो पत्नी यहीं हुई थी सबसे पहले सती। तो चलिए, ये थी राजा जसवंत सिंह की छतरी, और मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ इसका आसपास का एरिया। और ये देख सकते हैं आप, उसी टाइम का बना हुआ है ये पूरा कुआं, ये भी, और आप देख ही सकते हैं, क्योंकि मुगल उस टाइम की जितनी भी इमारतें हुआ करती थी, मीन्स जो 16वीं 17वीं शताब्दी की जितनी भी इमारतें हुआ करती थी, उन सभी इमारतों में, यानी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी की जितनी भी इमारतें हुआ करती थी, उन सभी में आसपास आपको कुआं देखने को मिलेगा। और कुएं के साथ साथ इधर जो दिखाऊंगा मैं आपको, बाहर से अभी दिखाऊंगा, इधर आपको यमुना देखने को मिल जाएगी। तो यमुना और एक कुआं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता था सभी स्मारकों के लिए 16वीं और 17वीं समय की। तो चलिए आगे से और दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सुंदर प्लेस है, आप हिस्टोरिकल प्लेस है, शायद ही कोई इधर आता होगा, बट ये है कि ऐसी जगहों पे विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो अपने इतिहास को दर्शाती हैं, और एक्चुअल में पता होना भी चाहिए कि हुआ क्या था एक्चुअल में। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज हम आए हुए थे राजा जसवंत सिंह की छतरी पे, और यहाँ से आपको एक चीज़ और मैंने बताई कि जितनी भी 17वीं और 16वीं सदी की जो इमारतें हुआ करती थी वो ज़्यादातर यमुना के पास ही हुआ करती थी, उनमें कुआं भी हुआ करता था। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ से यमुना का नज़ारा, इस टाइम आप पूरी फुल देख सकते हैं, यमुना पूरी भरी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है यहाँ का भाई, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आने के बाद, एक मतलब ठंडी हवा और बहुत ही ज़्यादा शांत वातावरण, बिल्कुल देख सकते हैं पूरी यमुना देख सकते हैं आप। तो चलिए चलते नीचे की तरफ, अभी मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, और मैं आपके उसके बारे में बताता रहूँगा। और प्लीज़ भाई, ऐसी ऐसी मैं आपके लिए हिस्टोरिकल वीडियो लाता रहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और आगे भी मैं आपके लिए इस तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ भाइयों, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप देख ही सकते हैं, हम आए हुए थे आज बल्केश्वर में बनी राजा जसवंत सिंह की छतरी, और मैंने आपको इसके बारे में बताया हिस्ट्री पूरी किस तरह बनी है, और देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनी हुई है। आप आइए, ऐसी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे विज़िट करिए, इससे भी आपको एक नॉलेज मिलेगी। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको,
इसका जो देख रेख है वो ASI के अंडर में ही है, बट इसका कोई टिकट चार्ज नहीं है, तो आप देख ही सकते हैं। और बहुत ही सुंदर और प्यारी बनी हुई है, तो ASI ने इस पर कोई टिकट नहीं लगा रखा। और देख ही सकते हैं ये है इस पर, इसके लिए नीचे आने के लिए रास्ता इसमें से। और ये देख रहे हैं आप, ये वही ककैया ईंटें हैं जो कि किले वगैरह में यूज़ होती हैं, उसी पर ये बना हुआ है पूरा। तो देख ही सकते हैं ये पूरा बनी हुई है पूरी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो राजा अमर सिंह राठौर थे उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक वो कहते हैं एक शायर ने शाहजहाँ ने खुद कही थी एक उनके लिए लाइन, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि शाहजहाँ ने उनके लिए खुद एक शायरी बोली थी, कि उसमें उन्होंने ये कहा था, मैं आपको बता दूँ कि अमर की कमर में कहाँ की थी ये कटारी, अमर की सिंह जी के पास जो कटारी थी वो कहाँ की थी, पाँव से लोहे से हिलाई सारी बादशाही, जरा से लोहे से उन्होंने पूरी बादशाही हिला दी, और होती जो शमशेर, शमशेर मतलब तलवार, होती जो शमशेर छिनाई लेते आगरा को, मतलब आगरा ही छिना लेते वो फिर। ये कहना था शाहजहाँ का अपनी शायरी में। तो देख ही सकते हैं मैं आया हुआ था, आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं अमर सिंह की छतरी पे, और ये एक रास्ता है सामने ही उनके, ये यमुना जा रही है, ये यमुना के लिए रास्ता जा रहा है पूरा, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, जो यमुना जी के लिए रास्ता है नीचे उतर के, और यमुना जी आप देख ही सकते हैं पूरी इस टाइम फुल चल रही है। तो चलिए चलते हैं इस साइड में और देखते हैं इस साइड में क्या बना हुआ है। इस तरफ भी एक छतरी बनी हुई है, देख ही सकते हैं एक छतरी इस साइड में बनी हुई है, और चलिए चलते हैं उस तरफ। तो देख सकते हैं एक ये बनी हुई है, एक ये छतरी बनी हुई है पूरी, जो कि मैंने वहाँ पे भी दिखाई थी आपको, एक साइड कोने पे है और एक इस कोने पे है, इसमें भी ये पूरा ताला लगा हुआ है पूरा अंदर से। तो चलिए चलते हैं, और ये पूरा ऊपर जाने का रास्ता है इसके लिए, तो देख ही सकते हैं खिड़कियाँ इस स्टाइल में बनाई हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, तो देख ही सकते हैं भाई आप। और दोस्तों मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल जो इसका पूरा बेस बना हुआ है, तो देख सकते हैं वही पूरा राजस्थानी लुक दिया हुआ पूरा, ये देख सकते हैं, और ऊपर ये पूरी छतरी बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और आप आइए इधर विज़िट करिए, आपको एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और एक एक्सपीरियंस के साथ एक हिस्ट्री की भी पता चलेगी कि हमारी एक्चुअल हिस्ट्री है क्या। तो फाइनली आज हम थे अमर सिंह की छतरी पे, अमर सिंह की कहें या राजा जसवंत सिंह की कहें वो आप डिसाइड करिएगा। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं ये है जसवंत सिंह की छतरी, अब या तो इसको जसवंत सिंह जी की छतरी कह सकते हैं या फिर आप इसको अमर सिंह जी की छतरी कह सकते हैं। एक्चुअल में जो बनी थी ये वो अमर सिंह जी के लिए बनी थी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार यहीं हुआ था, और उनकी जो पत्नी थी, जो उनकी रानी थी, उनकी रानी यहीं पे उनके साथ सती हुई थी, उनका सिंगार वगैरह का सामान भी अंदर रखा जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो भाई ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और ये जो बनी हुई है बल्केश्वर में बनी हुई है, थोड़ा इनसाइड में आके बनी हुई है, जो कि आज तक लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, और ASI के अंडर में आती है। तो भाइयों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, प्लीज़ भाइयों मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।